हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. नमस्कार 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 हर किसी को. और आज एक आई एम वेरी फॉर्चुनेट और हमारा जिम भी बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट है कि डॉक्टर परमजीत इज विजिटिंग टू अस. और थोड़ा सा मैं डॉक्टर परमजीत के बारे में बताना चाहूँगा कि डॉक्टर परमजीत एक कंसल्टेंट फिजिशियन है, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद, इंदिरापुरम गाजियाबाद. एंड डॉक्टर साहब का उसके साथ साथ एक YouTube पे बहुत ज़्यादा ह्यूज फैन फॉलोइंग है और इनके कुछ चैनल्स रन करते हैं डॉक्टर्स एजुकेशन के नाम से, हिंदी इंग्लिश बोथ. और उसमें एक फिटनेस की कैटेगरी अलग है, एक जनरल जो मेडिकल इन्फॉर्मेशन होती है उसकी कैटेगरी अलग है. तो बहुत सारे मतलब वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज अपलोड करेंगे और मैंने पर्सनली बहुत चीज़ें सीखी हैं. तो आज डॉक्टर साहब ने हमको ज्वाइन करा तो मैंने सोचा कि अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करूँगा बिल्कुल. तो एक कॉमन सा क्वेश्चन जो जिम में बेसिकली मेरे क्लाइंट जो मुझसे पूछते हैं और मेरे कुछ ऐसे मेडिकल वाले कह सकता हूँ मैं कि कुछ क्लाइंट्स को यूरिक एसिड का इश्यू है. इश्यू भी क्या है कि मतलब उनका जो ब्लड रिपोर्ट होता है उसमें उनको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ब्लड रिपोर्ट दिखाता है ज़्यादा आ गया है, बट उनको सिम्टम्स कुछ नहीं आ रहे होते, ऐसे कि कोई ज्वाइंट पेन हो कुछ ऐसा हो, और वो लोग प्रोटीन को एकदम छोड़ देते हैं. वो बहुत गलत है. देखो, यूरिक एसिड प्रोटीन अकेले से नहीं होता. सबसे बड़ा वो यूरिक एसिड प्रोटीन के एक पर्टिकुलर प्यूरीन अमाइनो एसिड से होता है. सो अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लेते हैं तो ज्यादा मात्रा में आपके शरीर में प्यूरीन भी जाएगा, बट इननेटली आपकी बॉडी में उसको मेटाबोलाइज करने की कैपेसिटी होती है. कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ दवा होती है, और सबसे बड़ी चीज होती है बियर. बियर और दारू, अल्कोहल में बियर सबसे ज्यादा. तो बियर पीने वाले लोगों में यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म में इशू आ जाता है और यूरिक एसिड सही से पूरी तरह से मेटाबोलाइज नहीं हो पाता. तो यूरिक एसिड की मात्रा थोड़ी बढ़ सकती है, बट वो भी कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है. टेक्निकली यूरिक एसिड हल्का सा बढ़ जाना हमेशा ही वो कोई जॉइंट पेन या आर्थराइटिस या गाउट जैसी प्रॉब्लम करेगा, जरूरी नहीं. कुछ लोगों में यूरिक एसिड बढ़ के उनके जॉइंट में डिपॉजिट हो सकता है, जॉइंट पेन कर सकता है, इन्फ्लामेशन कर सकता है. ऐसे लोगों में फिर टारगेट होता है कि प्यूरिन का जो इंटेक है वो कम करें. जनरल पॉपुलेशन को उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर आपका यूरिक एसिड हाई आ रहा है तो प्रोटीन कम करने से पहले पानी बढ़ाओ और ड्रिंकिंग बंद करो और प्यूरिन्स कम करो. प्रोटीन नहीं, प्यूरिन को कम करें. प्यूरिन कम करना है. हाँ जी. तो सिंपली मतलब जहाँ तक अगर मैं इसको समझा और मेरे कुछ जो भी क्लाइंट्स इसको क्वेरी करते हैं मेरे से, आपको अपना लाइफ स्टाइल में जो कुछ अल्कोहल है, बियर है, ऐसी चीज़ों को कम करना है, वाटर इनटेक बढ़ाना है, प्रोटीन को छोड़ना नहीं एकदम. सडनली आप लोग पैनिक हो जाते हो कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया तो प्रोटीन नहीं बढ़ रहा, उसको छोड़ना है. प्रोटीन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. और ये प्रॉब्लम एक्चुअली डॉक्टर्स का भी है. कई सारे डॉक्टर्स उनको कह देते हैं भाई तुम क्या ले रहे हो, वे प्रोटीन ले रहे हो, बिल्कुल बंद कर दो. तुम हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो, बंद कर दो. दालें बंद कर दो, ये बंद कर दो. देखो, लिमिट करना इज लॉजिकल. उसमें भी मिल्क एंड एग प्रोटीन, यानी वे प्रोटीन के अंदर तो प्यूरीन बहुत लो होता है. उससे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. प्रॉब्लम दालों से जरूर होती है. तो दालों में थोड़ा प्यूरीन होता है, हरे पत्ते वाली सब्जियों स्पिनिच एंड ऑल में प्यूरीन होता है. तो प्यूरीन रिच फूड और कुछ टाइप के फिशेज में होता है, और बीफ जैसी चीजें अगर मटन रेड मीट खाते हैं उसमें होता है. तो उन चीजों को आप कम करेंगे तो आपका प्यूरीन या आपका यूरिक एसिड कम हो जाएगा. सिंपली अपने वे प्रोटीन आप ले सकते हैं और डेरी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं. डेरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं. आई मीन कि कुछ फिश वगैरह, सी फूड, रेड मीट वगैरह अवॉइड करना चाहिए, दालें थोड़ी कम कर दी. अच्छा सर, एक यूरिक एसिड का एक क्वेश्चन और था. वन ऑफ माय क्लाइंट ही इज आल्सो अ डॉक्टर, सर्जन, तो वो ट्रेनिंग कर रहे हैं मेरे साथ. तो उन्होंने जब अपना ब्लड रिपोर्ट कराया तो उनका भी यूरिक एसिड ज़्यादा आया, थोड़ी बॉडी में इन्फ्लामेशन ज़्यादा आया. तो ही वॉज थिंकिंग कि कहीं मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मेरे मसल ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो ये एक रीज़न तो नहीं है कि मेरी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ गया है? क्योंकि इन्फ्लामेशन बढ़ा तो बोलते हैं ठीक है मेरा मसल ब्रेक डाउन हुआ, लोकलाइज इन्फ्लामेशन हो रहा है, वो आ रहा है. बट अगर ये भी कोई रीज़न हो सकता है क्या? देखो, इमीडिएटली डे आफ्टर एक्सरसाइज, क्योंकि इन्फ्लेमेशन के कुछ मार्कर्स होते हैं बॉडी में, ESR और CRP. तो CRP तो कुछ घंटों के लिए बढ़ता है. तो अगर आपने आज एक्सरसाइज करके, आज ही या रात को एक्सरसाइज करके मॉर्निंग में सैंपल लिया है, तो पॉसिबल है कि CRP एक्सरसाइज की वजह से थोड़ा सा बढ़ सकता है या वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है. बट अगर आप उसे ट्रैक करोगे
कि भी आपका सीआरपी कॉन्स्टेंटली हाई है क्या, तो आप ये बता सकते हो कि वो एक्सरसाइज के वजह से है या नहीं। आप ऑफ डे लो, एक दिन 24 आवर्स आपने एक्सरसाइज नहीं करी तब आप सीआरपी कराओ। अगर आपका सीआरपी तब भी हाई है देन इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज इंड्यूस्ड मसल इंजरी एंड ऑल, क्योंकि वो दो तीन दिन से ज्यादा हाई, एक दिन से ज्यादा हाई नहीं रहेगा। बिकॉज इतनी ज्यादा मसल इंजरी अगर आप कर रहे हो तो आप एक्सरसाइज ही बहुत ज्यादा कर रहे हो कि आपकी मसल जो है हाँ, तो वो जो तीन दिन तक स्टिफनेस रहता है लेग डे वाला, वो नहीं कह रहा मैं। नॉर्मल एक्सरसाइजेस जो हम करते हैं उसमें अलग चीज है। तो इन्फ्लेमेशन होता है एक्सरसाइज का, लेकिन कई बार क्या कंफ्यूजन हो जाता है बॉडी को हमारे कि एक्चुअल में इन्फ्लेमेशन स्मोकिंग के वजह से है, पोल्यूशन के वजह से है, अंदर कोई वायरल फ्लू चल रहा है, कोई दांत में दर्द है, या फिर मसल इंजरी है, या यूरिक एसिड बढ़ा है। सो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स का कोई इंडिकेशन नहीं होता कि ये इस कारण से है। तो हमें क्लिनिकली जजमेंट लेना होता है कि आपका मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो है कि ये है। तो अगर इसमें मैं एक बात बोलूं कि मैं जो समझा कि एक जो इंटेंसिटी देनी चाहिए वर्कआउट में वो एक ऑप्टिमल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जैसे सर ने बताया कि लेग डे में लोग बिल्कुल ही अपनी लेग को बिल्कुल ही किल कर देते हैं ना, जो तो ऑप्टिमल एक्सरसाइज करो। तो एक आध कोई क्वेश्चन अगर किसी व्यूअर का हो तो मैं देखता हूँ सर।